हेलो दोस्तों, काव्या किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चटपटी मटर, मटर आलू। तो देखिए, इसके लिए मैंने ये मटर लिए हैं 2 कटोरी, ये 2 मैंने आलू छील के बारीक काट लिए हैं, काट के मैंने धुल लिया है। और ये मैंने लहसुन लिया है 4-5 कलियाँ, 2 हरी मिर्च, आधा नींबू, धनिया हरा, चाट मसाला, जीरा पाउडर, नमक, ये मस्टर्ड ऑयल और ये जीरा। तो मैंने अपनी देखिए गैस में ऑन कर दिया है, हमें कढ़ाई गर्म हो रही है और इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। ये देखिए, मैं अपना ये मैं तेल डाल दे रही हूँ। करीब 2 चम्मच के करीब मुझे तेल लेना है और मैं बंद करके मैंने ये ऑयल इधर रख दिया। अब मेरा तेल हो जाएगा, तेल गर्म हो जाएगा, जब धुआं निकलने लगेगा तब मैं इसमें जीरा डालूंगी। देखिए, मेरा तेल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें अपने ये लहसुन की कलियां और हरी मिर्च डाल रही हूँ। मैंने ये जब ये लहसुन का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा और ये तब मैं इसमें जीरा डालूंगी। और देखिए, मैंने इधर ये चाय भी चढ़ा दी है, चाय भी मैं बना रही हूँ साथ में। चाय के साथ ये बहुत अच्छा बनता है। देखिए, मैं इधर ये 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ इसमें। देखिए, लहसुन मेरा भून चुका है। अब मैं इसमें अपने ये आलू जो मैंने छील के रखे थे, दो आलू मैंने छील के छोटा छोटा काट के रखा था, मैं अब ये आलू डाल दे रही हूँ। और ये 2 कटोरी मैंने मटर ली थी। अब मैंने सोचा मटर जा रही है तो कम से कम ये मटर तो बना ही लीजिए एक बार। ये हरी मटर बहुत अच्छी बनती है, आलू हरे मटर। ये मैंने 2 हरी मटर डाल दी है। मैं इसको चला दूंगी पहले। अब मैं इसमें ये अपना 1 चम्मच भुना जीरा डालूंगी, 1/4 चम्मच। और ये चाट मसाला, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। अब मैं इसको एकदम मीडियम फ्लेम पर ढक करके मैं पका लूंगी। जो आलू और मटर पकने तक मैं इसको मुझे पकाना है। ये देखिए, मेरी मटर बनके एकदम तैयार हो गई है, बहुत ही चटपटी और अच्छी। देखिए, ये आलू पक गया है। अब मैं इसमें ये नींबू निचोड़ दे रही हूँ, ये खट्टा तीखा नींबू मिर्च से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। देखिए, और मैं अब इसमें ये हरा धनिया डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करना है। देखिए, मेरी चाय भी बनके तैयार हो गई है। तो बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमें। गर्दन बोल, और देखिए ये मेरी चाय बनके तैयार हो गई है।
ये देखिए मेरे आलू बनके आलू मटर चटपटे आलू मटर बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको प्लेट में सर्व कर रही हूँ। देखिए और मैं इसमें थोड़ी सी मैं धनिया पत्ती रख रही हूँ। और ये देखिए मेरे आलू चटपटे आलू मटर और चाय बनके तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी आलू मटर की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।